नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्लिपकार्ट की एप्पल सेल के बारे में। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर जो सेल चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक सेल दोस्तों, वो सेल हो चुकी है ख़त्म। बट दोस्तों अभी सेल एक और सेल स्टार्ट हो चुकी है, इसका नाम है दोस्तों एप्पल डे सेल। तो दोस्तों इस सेल में आपको क्या क्या ऑफर देखने को मिलते हैं एप्पल फ़ोन के ऊपर, आईफोन के ऊपर, और ये सेल दोस्तों कब तक चलने वाली है और किस बैंक के ऊपर आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ सके कि आपको किस फोन पर कितना डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेल दोस्तों कितने तारीख तक चलने वाली है। तो दोस्तों ये सेल 21 मार्च से लेकर 26 मार्च तक चलने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 11 की। तो दोस्तों ये फ़ोन आपको मिल जाएगा इसमें 47,000 रुपये का, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा फोन है 47,000 रुपये में। और आपको इस लिस्ट में, इस सेल में दोस्तों कोई भी बैंक ऑफर नहीं मिलता, ये सिर्फ दोस्तों आपको 47,000 रुपये का मिल जाएगा। बैंक ऑफर की बात की जाए तो दोस्तों आपको मिलेगा इसमें 10% का डिस्काउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के मास्टर कार्ड के ऊपर। अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड है, इसमें अकाउंट है, और आपके पास दोस्तों मास्टर कार्ड है जो डेबिट कार्ड होता है, तब दोस्तों आपको 750 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों और अलग से जो बैंक ऑफर मिलते हैं हमें हर सेल के अंदर, वो इस सेल में कोई भी बैंक ऑफर नहीं है। अब दोस्तों दूसरी डील की बात करें तो वो दोस्तों आईफोन 10R, ये मिल जाएगा दोस्तों आपको 39,000 रुपये का। वह दोस्तों इसकी प्राइस है वो है 42,000 रुपये, बट ये आपको 39 का मिल जाएगा। अगली डील की बात करें तो वो दोस्तों आईफोन SE, ये मिल जाएगा दोस्तों आपको 30,000 रुपये का। और अगेन दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको दोस्तों मिल जाएगा ये 1,000 रुपये और कम में। और दोस्तों इसमें दोस्तों एक दो फ़ोन और हैं, जैसे दोस्तों आईफोन 12 मिनी, तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 69,000, बट दोस्तों अगर आप इसका पेमेंट करते हो HDFC बैंक कार्ड से तो दोस्तों आपको इस पर 6,000 रुपये डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आपको 63,000 के समथिंग पड़ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट डील की बात करें तो आईफोन 12 प्रो, दोस्तों ये काफ़ी कॉस्टली फ़ोन है, इसको आप इसकी कर सकते हो। दोस्तों अगले फ़ोन की बात करें तो वो दोस्तों आईफोन 12 आपको मिलेगा इस सेल में 79,000 रुपये का, 79,000 रुपये का ये फ़ोन आपको मिलेगा। बट दोस्तों अगर आप इसका पेमेंट करते हो HDFC बैंक कार्ड से तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों सिर्फ 73,000 रुपये में, यानी दोस्तों 73,000 रुपये के आसपास ये फ़ोन आपको मिल जाएगा आईफोन 12, जिसका दोस्तों बेस्ट वेरिएंट है 64GB वाला। तो दोस्तों इसमें दोस्तों वैसे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर दिए गए हैं, बट जो ऑफर है दोस्तों ये काफ़ी वैसे है जो दोस्तों ज़्यादा लोग फ़ोन खरीदते हैं, ये वही फ़ोन है। अगर आप दोस्तों आईफोन 12 खरीदना चाहते हो तो इससे बेटर है दोस्तों आप आईफोन 11 प्रो खरीद लो, जो दोस्तों सेम प्राइस पर आता है। बट दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, आईफोन 11 के ऊपर HDFC का भी ऑफर है वो नहीं मिलेगा आपको, ये आपको पूरे 80,000 रुपये का पड़ेगा। और आईफोन 12 दोस्तों पड़ेगा आपको 73,000 रुपये का बैंक ऑफर लगाने के बाद। दोस्तों ये कुछ ऑफर हैं जो एप्पल डे में हमें देखने को मिलते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर। अगर आप आईफोन लवर हो, आईफोन के जो एप्पल के जो फ़ोन होते हैं आपको पसंद आते हैं, तो आप इस सेल से कोई भी फ़ोन ले सकते हो, जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे ऑफर में अच्छे डिस्काउंट से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।